अब देखना, अब वो चले जाएंगे। ये है शैतान। तो फ्रेंड्स, अब मैं प्लान लगा हूँ इनको दूध, क्योंकि ये थोड़े सुबह के हैं जी भूखे। इनको तो भूखे ही कहेंगे, क्योंकि इनकी तो बस खुराक होती है दूध। मुझे बस मैं फूड लाता हूँ सामने, बेशक अदा हो या बुरा हो, ये ऐसा समझते हैं कि भाई दूध का टाइम हो गया, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। वो देखे सीप को मैंने गाय को कंट्रोल करना, वरना दूध गिरा देंगे। वो देखे चले, क्या आदत बुरी हुई थी। इनको ये पूछा नहीं, ये बकरी ये बकाया वाला कैसे, क्योंकि ये मोटा या पतला। ये अपने मामा के साथ दूध देते, ये कम पीते। ये उनकी नई शॉपिंग है, लेकिन मैंने कहा इसे पिला देता हूँ, इनकी बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छा तुम किसी ने कितने जा रहे थे। आज बकरे को लगता है भूख लगी हुई है, इसलिए दूध पीने लगे। अब दुआ, सब देखो दुआ खैर करे ताकि पी ले। खैर का मतलब पता है क्या होता है? खैर मतलब खैर है, ठीक है, ताकि उसकी माँ के पास। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरे ख्याल पूरी होगी, और यहाँ मेरे ख्याल से बकरी ने अंडा दे दिए। मैं देख रही हूँ मुर्गी ने। शरारती हो चुकी है, एक दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। अब दुआ करें जल्दी जल्दी बड़े, और इनको भी अपनी बकरी अपनी माँ रस के डाल जाए। लेकिन अगर वो भी खोले ना तो भाई मुझा देती हूँ, जैसे भी खोले ये जल्दी जल्दी से थोड़ा सा उसको। तो ब्राउन वाले को हम लोग अब रस्सी आजकल पलाते हैं ताकि आधी हो जाए।
वो देखिए सारा मुंह बंद कर दीजिए। ये अपने मुंह से इसको चाट दो। दो अंडे यहाँ पर ही होंगे तो फिर मुर्गी कैसे बाहर निकली है? यहाँ कर दिए ऐसे थोड़े दिन। तो फ्रेंड मुर्गी कहाँ से निकली होगी पिंजरे से? तो दो अंडे तो मिल गए हैं, टेस्ट के नहीं है क्योंकि भी ठंडे हैं। ऊपर ठंडे कोने में दिए होंगे एक अंडा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने अपने गॉड बेबी को कैसे दूध पिलाया और अंडे लिए, मतलब अंडे तो बस थोड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक दुआ कर दे कि शरारती अपनी कम कर दे, मेरे नाक में दम लग रखा है।